most extreme bridge. Extreme bridge in India. Sorry, world's most extreme railway lines in India. बर्थडे और हम लोग एडवेंचर करने जा रहे हैं इस वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम रेलवे लाइन पे. के बाद हम लोग आ गए इस रामेश्वरम में. तो ये है इंडियन ओशियन पूरा और हम लोग भी यहाँ पे थोड़ी देर में, ये जो लोग यहाँ पे नहा रहे हैं तो हम लोग भी यहाँ पे नहाने वाले हैं. एंड देन यहाँ की एक मान्यता है कि पहले समुंदर में नहाओ फिर 21 कुंड में नहाओ एंड देन दर्शन के लिए जाओ. और दर्शन के लिए ये जो आपको गली दिख रही है यहाँ से सीधा जाके मंदिर आएगा, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा. पर यहाँ का आप थोड़ा नज़ारा ले लो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ. तो ये जो सब लोग हैं वो सब यहाँ पे नहा रहे हैं अभी और इसके बाद 21 को मैं नहाएंगे. बट यहाँ से श्रीलंका नहीं दिखता, श्रीलंका आप मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, यहाँ से नहीं दिखता. और ये है रामेश्वरम का गेट. तो ये है यहाँ की गलियाँ और यहाँ के लोग. और यहाँ पे हर लोग देश विदेश से आते हैं यहाँ पे. एंड यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं. जहाँ पे देखो वहीं पे मंदिर ही मंदिर है. This is, ये एक मंदिर है एंड दैट इज मेन रामेश्वरम टेम्पल. दिस इज गेट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल. हम लोग यहाँ पे समुंदर में नहाने के बाद यहाँ पे ही जाएंगे हम लोग. एंड अभी हम लोग हमारी अभी मैं आपको मेरी गुजराती भवन में रह रहा हूँ. नॉट अ होटल बट इट्स लाइक अ होटल, बट यहाँ पे सब ऐसा ही होता है. सो सीधा जाके ओके. सो आई एम स्टेइंग हियर गुजरात भवन, गुजराती भोजनालय. दिस होल इज द प्रॉपर्टी एंड दिस इज अ एंट्रेंस गेट. ओके, तो ये जो है वो हमारा रूम है. इट्स अ लॉक.
बोल भाई। तो ये है हमारा रूम विद एसी, और यहाँ पे सब ना ढोके सही तेरी बैग तो देख। सो अभी हम सब लोग यहाँ पे रेडी हो गए, देन समुद्र में नहाने के बाद 21 में नहाने के बाद हम लोग मंदिर में एंट्री करेंगे। सो मैं मिलता हूँ उसके बाद आप लोगों को। सो अभी हम लोग घूम रहे हैं यहाँ की रामेश्वरम की गलियों में, और हमने बहुत सारे पिक्चर्स लिए हैं जो आपको मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। और अभी यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह चल रही है, कुछ शॉर्ट्स एंड बॉटल्स एंड ऑल। और ये है रामेश्वरम का गेट, और ये पूरा समुंदर। कहाँ से जाना? एंड अभी यहाँ पे ढूंढते कुछ नया, कुछ खाने को या कुछ पीने को। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर अ लंच एंड विद दिस गाइज। या और ये जो मंदिर है, ये मंदिर का पूर्व गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर गए थे। एंड यहाँ पे टिकट चार्ज है 150 रुपीज़ पर पर्सन, एंड हर एक कुंड में 21 कुंड में वो लोग नहलाते हैं एंड देन दर्शन के लिए जाते हैं। और इस मंदिर में 3600 पिलर्स है, और यहाँ का एक दूसरा स्टोरी है कि ये मंदिर क्यों बना, कि जब लंका में सीता जी थी तब जो युद्ध हुआ था राम और रावण के बीच में, तो राम ने रावण को मार दिया था। क्यों? क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया था, और रावण ब्राह्मण था, तो राम जी क्षत्रिय थे, तो राम जी को ब्रह्मदोष लगा, इसीलिए सीता जी ने, तो वो ब्रह्मदोष को मिटाने के लिए सीता जी ने राम को कहा कि यहाँ पे इसके 21 कुंड में आप नहाओ, उसके बाद महादेव की पूजा करो तो आपका ब्रह्मदोष निकल जाएगा। तो ये स्टोरी है इस मंदिर की। और अभी हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे कौन सा मिलता है, क्योंकि गुजरातियों को पता है चटपटा खाना चाहिए। सो ये एंड ये भाई साहब हमेशा मोबाइल में ही लगे रहते हैं और हम लोगों को गाली देते हैं कि भाई। और ये और दूसरा गेट है, ये इतना बड़ा गेट है, इसमें चार गेट्स है, चार दिशा में चार गेट है, साउथ वेस्ट ईस्ट एंड नॉर्थ। हम लोग यहाँ पे अभी वेस्ट गेट में थे, अभी ये कौन सा गेट है? ईस्ट गेट नहीं, ईस्ट गेट एंड नॉर्थ या फिर साउथ, पता नहीं कौन सा गेट होगा। कितने गाड़ी के चलता रहेगा तो सीधा पहुँच जाएगा वाइन शॉप। दारू पिएगा? दारू पीना है, अभी हम जा रहे हैं दारू पीने। नहीं, हम लोग कोई ड्रिंक नहीं कर रहे, हम लोग शरीफ देखने जाते हैं, वाइन शॉप देखने जाते हैं, दूसरों के लिए। हाँ, दूसरों के लिए देखने जाते हैं, हम लोग दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, जैसे भगवान हम दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, हम लोग भी दूसरों को रास्ता दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे जा, देखो तैयार हो जा, पीके वहाँ पे जा और पीके तैयार हो जा। देखो मैं आपको ये टिकट दिखा रहा हूँ, पीना पीना छोड़ो साइड पे, हटो। देखो ये साइड कंस्ट्रक्शन नया है इसमें। अन्ना पोड़ बहुत बड़ा गेट है, और ये क्या लिखा है, अगर किसी को समझ में आया तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गुजराती इंग्लिश और हिंदी के सिवा। So, अगर आप लोगों को कभी भी आना हो तो यहाँ पे आओ, क्या नाम है, होटल अन्नपूर्णा, यहाँ पे आओ। वी जस्ट हैड शिजवान नूडल्स एंड पनीर बटर मसाला, 5 out of 4, चपाती वॉज ओके बट गुड। सो इफ यू हैव टू कम यू कैन कम हियर।
सुपर चल। सो यहाँ का रात का नज़ारा कुछ ऐसा है, सारी गली सुनसान और यहाँ पे एक बड़ा सा गेट, और हम लोगों ने कर लिया है डिनर और चल पड़े हमारे रूम की ओर। और सब लोग थक के लोटपोट, देखो ये देखो कैसे चल रहा है, ये 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 देख, जानबूझ के हंसना पड़ रहा है उसको, क्योंकि यहाँ पे वीडियो जाएगा यूट्यूब पे। ये तो पूरा दिन मोबाइल में ही लगा रहता है। आई हैव नो गर्लफ्रेंड। हाँ पता है। अरे यार सो डिनर इज ओवर एंड नाउ वी आर गोइंग टू आवर होटल। एंड देन सुबह उठ के हमें नागमणि के दर्शन करने हैं। सो आज का वीडियो यही समाप्त करना पड़ेगा मुझे, तो मिलते हैं कल। सो डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलो और लाइक करना भी मत भूलो। सो यहाँ पे एक रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, वो दबाओ और फ्री में सब्सक्रिप्शन ले लो, अच्छा है, बंदे को कुछ करने दो नया नया, ठीक है, चलो दबाओ दबाओ दबाओ।